सर इंडिया का नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी वॉज कैप्ट इन अ पंजाब जेल फॉर 2 years and 3 months. एक जाली FIR करके मोहाली दे विच उस शख्स के 10 परचे से यूपी से एक जाली FIR करते उस FIR दे विच कोई चलान नहीं होया सर उस FIR चो डिफॉल्ट बेल नहीं ली सर ते इन्ना ही नहीं सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ पंजाब सर 2 साल 3 महीने उन्हें पंजाब की रोपड़ जेल च रखा गया जिस बैरक दे विच 25 बंदे आने चाहिए सी ही वॉज गिवन अ VIP ट्रीटमेंट उसकी वाइफ उस जेल च नाल रहिंदी सी सर माफिया मुख्तार अंसारी और कांग्रेस के कनेक्शन को लेकर एक बार फिर से पंजाब की सियासत में उबाल आ गया है यूपी का माफिया मुख्तार अंसारी जेल में बंद है और वहीं पंजाब की आप सरकार प्रदेश की सियासत के पुराने पन्नों को पलट एक बड़ा खुलासा करने का दावा कर रही है पंजाब की भरी सभा में आरोप लगाए गए हैं हरजोत सिंह ने और आरोप लगे हैं कांग्रेस पर मुख्तार अंसारी को पनाह देने के लिए उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च करने के लिए नमस्कार आप देख रहे हैं हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेरा नाम है योगिता महेश्वरी हाल ही में पंजाब के CM भगवंत मान की सरकार ने एक फाइल को क्लियर करने से इनकार कर दिया है इस फाइल से हुए खुलासे कांग्रेस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कई राज से पर्दाफाश होता है और सवालों के खटघरों में आ जाती है कांग्रेस इस वीडियो में जानेंगे आखिर इस फाइल में क्या है कांग्रेस और माफिया मुख्तार अंसारी के बीच का क्या कनेक्शन है लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये मामला कांग्रेस शासन के सालों बाद कैसे सामने आ रहा है सब समझने के लिए बात करते हैं 2020-21 के मामले की माफिया मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में बंद कर रखा था और पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार उसे पंजाब रखने के लिए कड़ी मशक्कत करती है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है और इसके लिए पंजाब के उस समय के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नामी वकील को हायर करते हैं मामला तब शुरू होता है जब सुनवाई के लिए उन्हें 11 लाख रुपए देने का वादा किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में 5 सुनवाई हुई जिसका 55 लाख रुपए अदा करना अभी भी बाकी है यही वो फाइल है जिसे मान सरकार ने क्लियर करने से मना कर दिया है CM भगवंत मान ने कहा कि वो जनता के टैक्स से ये पैसा नहीं भरने देंगे इतना ही नहीं अब पंजाब के शिक्षा मंत्री और आनंदपुर साहिब से MLA हरजोत सिंह ने सभा में कांग्रेस पर आरोपों की बारिश कर दी है गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब में 2 साल 3 महीनों के लिए रखा गया था और ये सब हुआ एक जाली FIR के बलबूते पर जो पंजाब के मोहाली में की गई थी पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल तक मुख्तार अंसारी को बचाया यहाँ तक कि उसके रखरखाव में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जिस बैरक में 25 अपराधियों को रखा जाता है वहाँ केवल मुख्तार अकेला रहता था उसे टॉप क्लास VIP ट्रीटमेंट दिया गया यहाँ तक कि उसकी बेगम भी उसके साथ रहती थी जिसके बाद UP सरकार ने 26 बार प्रोटेक्शन वारंट जारी किया लेकिन कांग्रेस सरकार ने सब कुछ अनदेखा कर दिया इसके बाद यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और बदले में कांग्रेस ने 25 लाख के बदले एक वकील को हायर किया आपको बता दें कि उसी 25 लाख के बिल की फाइल के बारे में हमने आपको ऊपर बताया इस मामले में पहला सवाल तो यही है कि आखिर कांग्रेस मुख्तार पर इतनी मेहरबान क्यों हुई कांग्रेस में मुख्तार अंसारी के लिए इतनी हमदर्दी क्यों है आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें हिंदी खबर डिजिटल